आज हम यहाँ पे जंतरोन टाप पे, जैसे ही आज छुट्टी अनाउंस हो गई तो सर ने डिसाइड किया, प्रिंसिपल सर ने, कि जंतरोन की तरफ चलते हैं। तो हम उसके बाद जंतरोन की तरफ जा रहे हैं और अभी ठीक जंतरोन धार पे हैं। ये देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत धार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये बर्फबारी, ये बर्फ के साथ साथ में ये धारें ढकी हुई। और मैं डीसी साहब को आज जो डोडा में है, डीसी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने लाल द्रमण में इस जंतरोन धार का नाम लिया हुआ है। हमें एक बहुत फ़ख्र हुआ है, बहुत फ़ख्र से हम इस जंतरोन धार के लिए ये बात करने के लिए जा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने अनाउंस किया है वहाँ पर कि वह मैं कुछ ही देर के बाद जंतरोन धार पे जाऊंगा। और अभी हम कल डी साहब तक जाएंगे, डी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जंतरोन धार जो है इसको भी देखा जाए कि कितना एक टूरिस्ट के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से कितना बहुत बढ़िया जगह है। और मैं डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पहले ही इस जंतरोन धार का नाम लिया है। और मैं खुश नसीब समझूंगा इस इलाके को, इस अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा को, कि जो ऐसे डी साहब इस वक्त यहाँ पे आए हैं और कल यहाँ पे आके अगर चंद कुछ देर के बाद वो यहाँ पे प्रोग्राम करने जाएं तो बहुत ही खुश नसीब हम अपने आप समझेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि जल्दी से जल्दी इस चंद्रोन धार का जो है, इस बर्फ़ का नज़ारा थोड़ा लोगों तक पता चले कि ये जंतरोन धार क्या है। मैं एक बार फिर से रीस साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस जगह का उन्होंने नाम लिया है। और रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस धार की तरफ जो है एक टूर रखने की कोशिश करें। थैंक्स।